saiyo. Sai, बाईजा का बता रही थी कि पहले आप रोज रात को शास्त्रों से जुड़ी कहानियां सुनाते थे। मेरा दुर्भाग्य तो देखिए, गांव में रहकर भी मैंने कभी आपसे कोई कहानी ही नहीं सुनी। वैसे मेरी रुक्मिणी वहीनी वो बहुत सारी कहानियां जानती थी, लेकिन मैं कभी उनके पास बैठी नहीं कहानी सुनने के लिए। इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? अगर कहानी सुनकर तुम्हें खुशी मिलेगी तो मैं जरूर सुनाऊंगा कहानी। बताओ, किसकी और कौन सी कहानी सुनना चाहती हो तुम? साई, हाल ही में मुझे बाजार में एक आदमी मिला था, बताने लगा कि वो गंगोत्री जा रहा है, जहां से मां गंगा धरती पर अवतरित हुई वहां। साई, ये गंगा अवतरण की क्या कथा है? सुनाता हूं। धरती के अस्तित्व में आने के बहुत बाद मां गंगा इस धरती पर अवतरित हुई और उन्हें पृथ्वी पर लाने का श्रेय राजा भगीरथ को जाता है। इसकी भी एक बहुत रोचक, बहुत दिलचस्प कथा है। हुआ यूं कि प्राचीन समय में एक राजा हुआ करते थे, राजा सघर। ऋषि कपिल ने राजा सघर के 60,000 पुत्रों को अपने श्राप से, अपने तेज से भस्म कर दिया था। भस्म हुए सगर पुत्रों की चिता भस्म जमीन पर पड़ी हुई थी, उन्हें मुक्ति नहीं मिल रही थी क्योंकि वो श्रापित थे। साल दर साल बीतते गए, पीढ़ियां दर पीढ़ियां बीतती गईं, और फिर राजा सगर के कुल में राजा भगीरथ ने जन्म लिया। उन्होंने तय किया कि वो अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाएंगे, तर्पण करेंगे उनका, क्योंकि उनकी मुक्ति तभी संभव थी जबकि उनकी चिता भस्म को प्रवाहित किया जाता पवित्र नदी गंगा में। पर गंगा तो उस समय आकाशीय नदी थी, स्वर्ग में बहा करती थी और उन्हें धरती पर लाना असंभव था। इसलिए राजा भगीरथ ने कई वर्षों तक एक पैर पे खड़े होके घोर तपस्या की और प्रसन्न कर लिया ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने उन्हें गंगा जी को धरती पर ले जाने की अनुमति दे दी, आशीर्वाद दे दिया। कि तभी उन्हें आकाश से एक आवाज सुनाई दी, माँ गंगा ने राजा भगीरथ से कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार धरती पर आने के लिए तैयार हूं, पर मुझे इस बात की चिंता है कि धरती मेरे वेग को, मेरे प्रवाह को सहन नहीं कर पाएगी। मुझे चिंता है इस बात की कि मैं धरती को अपने साथ बहाकर पाताल में ना ले जाऊं। तो राजा भगीरथ ने पूछा कि हे मां गंगा, आप ही बताइए मैं क्या करूं। इस पर गंगा जी ने उनसे कहा कि मेरे वेग, मेरे प्रवाह को समाहित करने की क्षमता केवल जटाधारी भगवान शिव में है। राजा भगीरथ ने भगवान शिव की भी तपस्या की और उन्हें भी प्रसन्न कर लिया, और भगवान शिव ने स्वर्ग से आती गंगा को अपनी जटाओं में समाहित कर लिया। और जब भगवान शिव की जटाओं से गंगा निकली
तो सात धाराओं में बट गई। सातवीं धारा ने राजा भगीरथ का अनुसरण किया और वहां पहुंची जहां 60,000 सगर पुत्रों की चिता भस्म पड़ी थी। जैसे ही गंगा जल का चिता भस्म से मिलन हुआ, राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। साई, क्या आप गंगा नहाने से सच में सारे पाप धुल जाते हैं? ये तो वो मालिक ही जाने, पर हां, तरह तरह के कारणों से लोग गंगा तट पर जाना चाहते हैं, तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। कुछ हैं जिन्हें सफलता मिलती है, लेकिन कुछ का सपना सपना ही रह जाता है, क्योंकि केवल कहीं पहुंच जाने भर से ही तीर्थ यात्रा संपन्न नहीं होती। मन में साई के क्या है, कौन जान पाए? ओम साई ओम साई ओम साई ओम। हे भगवान, कल पूरी रात भर बारिश हुई है, देखो क्या हालत हो गई है मंदिर की। ऊपर से मुझे भी खंडोबा मंदिर में समय लग गया। कोई बात नहीं बाबा, आप पूजा की तैयारी कीजिए, तब तक मैं यहाँ की साफ सफाई कर दूंगी। अरे वाह, बाबा और बेटी आज हनुमान जी की सेवा में लगे हुए हैं। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। प्रणाम साईं। तुम कब आई यमुना? बस आज ही, नाना जी की तबीयत थोड़ी खराब है तो आई और गौरी उनके पास गए, तो मैं बाबा और मार्तन का ख्याल रखने यहाँ आ गई। अच्छा किया, बहुत दिन बाद आई हो, आती रहा करो, तुम्हारे आई बाबा को खुशी होगी। जी साई, पिछले महीने ही मेरे पति का तबादला राहता में हो गया है, तो अब तो मैं यहाँ आती रहूंगी। कैसा है विष्णु? अच्छे है, आपको बहुत याद करते हैं। महालसपति जी, बेटी घर आई नहीं कि उससे इतना काम करा रहे हैं आप। नहीं साई, यहाँ के पुजारी कल अपने गाँव चले गए हैं, उनकी बेटी की शादी है, इसलिए अब दोनों मंदिरों की सेवा मुझे ही करनी है। ऊपर से बारिश की वजह से आप देख रहे हैं कितनी गंदगी बढ़ जाती है, ये साफ सफाई करने में बहुत समय चला जाता है। अगर आज यमुना नहीं आई होती तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती। महालसपति जी, कल से मैं भी आपकी मदद के लिए आ जाऊंगा। नहीं साई, मैंने अपने एक रिश्तेदार को बुलावा भेजा है, वो यहाँ आकर अगले एक महीने तक मारुति मंदिर की सेवा करेंगे। रिश्तेदार? जी साईं, मेरी बड़ी मौसी के बेटे सदाशिव, वो बहुत ही अच्छे पुजारी और ज्ञानी पुरुष हैं, वो अपनी पत्नी सुनंदा के साथ यहाँ आ रहे हैं। हर हर महादेव।
मेल पत्र में तो सिर्फ दो ही पत्तियां हैं। कहाँ है प्रसाद? मेरे मौसा जी मेरे गुरु थे साईं। उन्हें शास्त्रों का बहुत गहन ज्ञान था और वो बहुत कड़े स्वभाव के इंसान थे। सदाशिव भाव भी पूरे मौसा जी पर गए हैं। क्या खाना है, क्या पहनना है, ये तक शास्त्रों के आधार पर तय करते हैं वो। सुनंदा, प्रसाद कहाँ है? अभी आई। हे देवा, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा कि आज गुरुवार है। मैं अभी पीली साड़ी पहनकर आती हूँ। जल्दी, पूजा के बाद हमें निकलना भी है। जी जी। सदाशिव भाऊ अपने गांव में हर तरह की पूजा पाठ के लिए विख्यात है साईं। वैसे उनसे मिलने मुझे भी बहुत समय बीत चुका है, लेकिन जब जब उनसे मिला हूं मुझे उनसे सीखने को बहुत कुछ मिला है। बस अब कहीं आकर वो मुझे डांटने ना लग जाए, इसलिए मैं चाहता हूं कि मंदिर में सब कुछ व्यवस्थित हो, अच्छी तरह से हो। हे महादेव, मेरी अनुपस्थिति में मेरे घर की रक्षा करना। हर हर महादेव। शिव शिव शिव, ये क्या किया तुमने? इस झोले को यहां रख दिया जमीन पर? सुनंदा, क्या तुम्हें यह पता नहीं कि इस झोले में पूजा का सामान है? अब ध्यान ध्यान नहीं रहा। रुको, ये क्या करने जा रही थी तुम? ये पूजा का सामान जो अशुद्ध हो चुका है उसे दोबारा उठाने जा रही थी? तुम्हें क्या लगता है, ये अशुद्ध पूजा का सामान क्या हम हमारे साथ ले जा सकते हैं? तो बताओ सुनंद, हमें क्या करना चाहिए? हमें तुरंत इसका शुद्धिकरण करना चाहिए, फिर हम इसे ले जा सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमें और भी विलंब होगा, और यह भी हो सकता है कि हम शाम की आरती में भी उपस्थित नहीं रह पाएंगे। नहीं नहीं, मुझे इतनी देर नहीं लगेगी, हम शाम की आरती में जरूर उपस्थित रह पाएंगे। बस मैं अभी गई और अभी आई। सुनंदा, मैं तुमसे पहले भी कई बार कह चुका हूँ, मैं तुमसे और कुछ नहीं चाहता, बस इतना चाहता हूँ कि प्रभु के कार्य में तुम सतर्क रहो, समझी? रोटी जल जाए मैं खा लूंगा, कपड़े फट जाए मैं खुद से लूंगा, लेकिन प्रभु के कार्य में किसी भी तरह की कोई भी कोताही मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। सुनंदा, मैं पंडित हूं, कर्मकांड में अकर्मण्यता मनुष्य के पतन को आमंत्रित करती है, कर्मकांड में अनाचार से नरक के द्वार खुलते हैं। सुनंदा जी,
समझ गई, आगे से ऐसा नहीं होगा, किसी को नरकवास नहीं होगा। मैं अभी सब कुछ ठीक कर देती हूं। हे महादेव, मेरी पत्नी अज्ञानी है, उसे क्षमा कर दीजिए। हर हर महादेव। ओह, ये मैंने क्या कर दिया? क्या हुआ महालसभापति जी? मैं गलती से घी उठा के ले आया साई, लेकिन हनुमान जी के दिए के लिए तो तेल होना चाहिए ना। ओहो, मैंने घर में तिल का तेल निकाल कर रखा भी था, लेकिन जल्दबाजी में मैं ये घी की भरनी उठा के लेके आया। महालसभापति जी, ये बात हनुमान जी भी जानते हैं, इसलिए अगर आज आप तेल के दिए की जगह घी का दिया जला देंगे तो हनुमान जी बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि पूजा के लिए तो मन महत्वपूर्ण है, ना कि सामग्री। आप सही कह रहे हैं साईं। जलाइए दिया। जानते हैं साईं, अगर यहां सदाशिव भाव होते तो ये दिया तब तक नहीं जलता जब तक मैं घर जाकर तिल का तेल नहीं ले आता। महाशय है कौन? हाँ, पहले तो कभी देखा नहीं। रुको रुको रुको, चलो पहले मंदिर के दर्शन करते हैं, उसके बाद महासभापति के घर जाते हैं। हाँ, आ जाओ। मुझे मारना, उसको मार, उसको उसको उसको। ए बच्चों, शांत रहो। ये मंदिर है, यहाँ शांति बनाए रखनी चाहिए। काका, भगवान भी कभी बच्चों से परेशान होते हैं क्या? अरे बरिगो, अरे बरिगो। शिव शिव शिव, बड़े बदतमीज बच्चे हैं, अतिथि का सम्मान करने का छोड़कर उल्टा जवाब देकर चले गए। जाने दीजिए, बच्चे हैं, आइए शांत मन से दर्शन करते हैं। जाओ वो छोटा कलश ले आओ जिसमें पैर धोने के लिए पानी लाया था, अब गंगा जल से तो पांव धो नहीं सकते, इतनी दूर से आए हैं, अशुद्ध होकर तो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते ना। जाओ। ए अरे, उठो उठो, परिको, अरे परिको। ये क्या कर रही हो तुम? देख के पानी डालो, पांव धोने हैं, जमीन नहीं। इस तरह से पानी बहाओगी तो कीचड़ हो जाएगा, और कीचड़ होगा तो मंदिर में दर्शन करने वालों के साथ कीचड़ भी मंदिर में चला जाएगा। अपने गांव में पूजा करते वक्त यही मैं तुम्हें समझाता था,
है ना? तो फिर याद रखना चाहिए ना? हाँ, मुझे मुझे याद है, आगे आगे से याद रखूंगी। नरकवास होगा, इस तरह की लापरवाही से नरकवास होगा।